फिर जावे ता जावे सादा सिखी सिद्ध जावे फिर जावे ता जावे सादा सिखी सिद्ध जावे पगड़े गए वे भाता शहीद हो चुके ने सिंह मुक चुके ने चमकौर साहब थोड़ी राखी करने वाला कोई नहीं सहायता वाला कोई नहीं अजे वजीदे भी कचहरी बल्कि सरदा दरबार नहीं जाते हो फतेह ने गजाए चौके सलाम कर दो मैं सिफारिश करके थोड़ी जान बचाने का यत्न करांगा साहब जावे कह रहे हैं सानू पता है सोचे समझे असी सानू समझाने की कोई लोड़ नहीं रस्ते पुछ लिया जोरावर सिंह जी कह फतेह सिंह जी और तुरक की कचहरी है जे फतेह गजाई अगो उत्तर नहीं मिलना फतेह की निरादरी होगी किवें करिए फतेह सिंह जी कह लगे जोरावर सिंह जी तुम भी गुरु का खालसा तो मैं भी खालसा तुम मेरे वालों चेहरा करो मैनू फतेह गजाओ मैं फतेह का उत्तर देवा गुरु प्यारे गुरु के साहब जाके कचहरी पहुंचे ने जानते सार एक दूजे वाल किया चेहरा से गज के फतेह किवें गजाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बंद जुड़ गया सुन के जानमा ने एक ही बनिया शेर के पुत्र शेर ही हुए भावे उम्र छोटी है पर इन्होंने कौतुक के कारनामे बड़े वे करने ने हम लगे हुए समझा निकट वर्ती तनाए वजीदा आप साहब जा दो पिता जी शहीद हो चुके हैं वे भ्राता शहीद हो चुके ने नहीं हम थोड़ी कोई सहायता कर तो व्डिया हो वे वे अहदे मिलने जो चाहो मरास में मिलने बड़ी चंगी गल जो सुनत परिवार उसे केस कटा लो गुरु के साहब जाके कह लगे सूबिया जो सूरज के पास तीन साल आरा नहीं आ सकता कौन है जो सा पिता जी को पकड़ सकी उन्होंने अपने खुशी के कौत कहान जानबूझ के चोज रच रहे हैं उन्होंने पकड़ने वाला कोई नहीं जमया जो साडे वे प्राप्त जी शहीद हो चुके हैं तो उन्होंने मुबारकबाद बड़ी चंगी गल तो बहुत ही चंगा होया धार्मिक युद्ध कर रहे खिड़े मत्थे सत खंड पहुंचे हैं असं उन्होंने छोटे भ्राता है उन्होंने कट करनी नहीं विखावे करा जो चाहो सानू परख लो असं भी थोड़े दिते लाल चंद फसल वाले सानू गुरती मिली है असं जानते हैं तो साड़ी इको एक अरदास है कलगी घर के चरणों से अकाल पुरख के चरणों में कह लगा सूबा तुम की चाहते हो की करोगे पर गुरु के साहबजादे ने उस मौके एक नारा लाया सी दालम की कचहरी में फिर जावे ता जावे साडा सिखी सिद्ध ना जावे फिर जावे ता जावे साडा सिखी सिद्ध ना जावे बोलो कचहरी वापस मोड़ दिते इन्हों समझाओ जतन करो कल न सही उस मौके से मलेरिए ने हा का नारा मारिया कि छोटे साहबजादे ने कल कचहरी नहीं बुलाने चाहिए इन्हों बरी कर देना चाहिए ये नहीं कि कुरान लिखा हुआ कि दो बंदियों वाले बच्चों से जुल्म किया जाए यह मुसलमानी मत का विरुद्ध है इस वास्ते साहबजादे कचहरी बुलाना ही पाप है छोटे सत से नौ साल की अवस्था वाले साहबजादे कचहरी नहीं बुला चाहिए फिर इन्होंने दादी जी बिरध ने उन्होंने नहीं पिछद किसी प्रकार का दुख देना चाहिए पर नहीं कल फिर बुलाए ने माता जी के पास साहबजादे पहुंचे खुशी नाल फतेह गजाई प्यार दिता सत्कारिया तो अगला दिन आया है पता लग गया माता जी ने कि अज साहबजादे शहीद होंगे वह अज का दिन सी
कह दिता साहब जादे मेरा भी प्यारा है तुसी मैं सच्चा नूं चढ़ाई करनी अज गज वज के रहे हो। जदों कचहरी विच जा के फिर फतेह गजाई उस मौके से झूठा मैं कोलों कहन लगा तो जम दियां सूलां दे मूंह पिछे नागा ने बच्चे ने नहीं छड़ने चाहिए शहीद करने चाहिए ने पार किया। उस मौके से गंगू ने जिवें बड़ा भारी जुर्म किया सी नाल इहने भी किया। उस मौके पुछिया वजीदे ने साहबजादे नूं साहबजादे हो जे भला मैं तुहानूं बरी कर देना तुसीं दसो की करोगे तुहाडा प्रोग्राम की। सत साल दे अवस्था दे किसे पैगंबर अवतार दे बच्चे नूं कोई इहो जिहा प्रश्न कर ही नहीं सकदा। ये प्रश्न करूं तो उत्तर नहीं मिल सकता और कचहरी दालम की जिसे हमने शहीदी प्राप्त करनी है तो गुरु प्यारे तानू गुरु के लाड लिया तो जो अगो उत्तर है वह सुनो की है। कह लगे वजीर खान साढ़े कद छोटे आ साढ़े गात्रे कृपाना छोटिया साढ़े तनख से तीर छोटे जिमें जिमें साडा कद बढ़ेगा तिवें तिवें साढ़े ये कृपाना भी वड्डिया तनख से तीर भी वड्डे। जे भला असी जवानी तक पहुंचे तो साढ़े को होंगे घोड़े ते फौजियां ते हाथी असी चढ़े होंगे उन्होंने उपर केसरी निशान होंगे साढ़े हाथ विच नाल साढ़े होगा खालसा हर श्री अकाल दे जयकारे जाया करांगे तो उसे ते नगारे बजनगे और तेरे वर्गे जालिम जे इसे तरह रहे तो उन्होंने मुकाबला मैदानी जंग विच करया करांगे धार्मिक युद्ध करांगे। ये साडा प्रोग्राम है अगे वास्ते इहो करिया करांगे। हैरान रह गए सुन के गुरु प्यारे आखिर फतवा लाया गया कि गुरु के साहब जादे तंग कर करके नींव चिन चिन के शहीद करो एक एक बार जब लाओ तो मुड़ मुड़ पुछो शायद ये केस मना लैन शायद ये तंबाकू वरत लैन शायद ये सिखी तो पतित हो जाए। तो गुरु प्यारे कि जुलम सत से नौ साल की अवस्था के साहबजादे नीयन चिन लगे ने तो जब नीयन चिन लगे उस मौके से इटा नहीं छांगिया साहबजादे गिटे छांगे गए फिर अगे गोडिया दप्पड़िया छांगिया गई और तो जब छाती तक तंग आ गई उस मौके से यह प्रसंग तो बड़ा है। मैं सूखम रूप में बेनती कर रहा हाँ तो गुरु प्यारे उस मौके साहब जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी कह लगे फतेह सिंह जी जोरावर सिंह जी कह लगे तुहाडा जन्म मैथों मगरों पर तुसीं सतखंड पहला चले जे ये नहीं चंगा क्योंकि नींद थल्यों उतारू आ रही थी। उस मौके से कह लगे आप अरदास करिए आप दोवें इकट्ठे ही कोबे बाण से चढ़ के चलिए। कह लगे सतगुरु पिता नूं पाया तो इसे तरह ही होवेगा। गुरु प्यारियो देर से उस मौके से फुल वरसाउण लगे ने सतखंड च बेबाण आ गया है सच्चाई मूंह विच कुंगड़ा पा के सोचण लगी पर पाप कंबण लगे ने धर्म प्रफुल्लित होण लगा है ते खालसा पंथ की नींव मजबूत होण लगी है ते जुल्म राज की नींव जग पटी जाण लगी है। अखीर दालमा ने तो इको ही वार ऐसा चरण तो पहला फिर पुछया जो छातियां तक कंध आ गई खा घुटिया होया है पर चेहरे अगे नाल बड़ी लाली है खेड़ा है शुक्र है अरदास है गुरु के चरणों फिर होया शाही काजी नेड़े साहब जा रहे हो हुण भी वेला जे कुछ नहीं बिगड़िया। जे एक बार तुसीं कह रहे असी अपना धर्म छड्डिया असी केस मनाउणे आ तो हुणे जो चाहो तुहाडी जान मुआफ और अगे वास्ते जदों वड्डे होगे उहदे ते मुरातबे मिलणगे। तो गुरु के साहब जादे फिर यही नारा ला के शहीदी प्राप्त कर लगे ने फिर जावे तां जावे साडा सिखी सदत ना जावे फिर जावे तां जावे साडा सिखी सदत ना जावे जावे तां जावे साडा सिखी सदत ना जावे जावे तां जावे साडा सिखी सदत ना जावे।
सच्चे पातशाह दे लाड लिया ते इको ही जनमाना वार किया गया। दोनों दे शीश धड़ां नालों अलहदा होए सतखंड मैदान से चढ़ के सतखंड नूं गुरु के प्यारे जब चले माता जी नूं आके फतेह गजाई। माता जी वेख के कहण लगे साहब जा रहे हो सो तुहाडी फतेह की आवाज तो सुन रही है पर तुहाडे दर्शन भी हो रहे हैं। माता जी असी अकाल बाणा पै रहे असी हुण सतखंड नूं चले हाँ दोवें साहब जावे कलगी पर सच्चे पातशाह जे पास तेरां दीआं रूहां पुज्जियां तां फिर दोबारा उस शब्द दोहराया मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना सुख दिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना। माता जी कहण लगे असीं वी प्यारा करदे हां गुरु प्यारिओ जगत माता माता गुजरी जी आप योगा अभ्यासी सन उस मौके से अपने प्राणन खिंच के दसम द्वार दे विच लिजा के ब्रह्मरिंदर नारी नूं फोड़ के दसम द्वार थानी अपने प्राण कढ के सतखंड नूं आप जी नाल पहुंचे। सो अज तीन शहीदियां होईयां ने गुरु प्यारे माता गुजर कौर और छोटे साहबजादे साहब जोरावर सिंह ते साहब फतेह सिंह जी। सो गुरु प्यारियो तीनों लोगों ने इत्थे गलत अनुमान लाए कोई कहन लगे कि माता जी ने कंध नाल टक्कर मारी है कोई कहिंदे हीरा चक लिया कोई कुछ पर उन्हां दा कहना बिल्कुल गलत है। कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने आप फरमाया पाप मात मुर अलख आराधा मोहि जोग साधना साधा। उन्होंने जोग साधना सारे माता पिता जी ने साधी हुई थी। योगी पुरख जदों भी चढ़ाई करेगा तो दसम द्वार थाली प्राण कढ़े। दूसरे साडे माता अजीत कौर जी ने जदों साडे सतगुरु पिता जी अपने पति स्वामी गुरु गोबिंद सिंह साहब पास बेनती करके जो योगा अभ्यास की सिक्ख्या सी हजूर दसी गए उस तरह प्राण दसम द्वार में चढ़ाने लग गए। अंतर जामता हुई साडे माता जी ने वेख के कह लगे कि तुसीं आनंदपुर साहब छड़ दोगे साहबजादे ने शहीद होना है। हाँ अजीत कौर जी एक तौर से असी जान बुझ के गुर कौन है फिर सानू आगे दे दिओ सतखंड नूं असी जाइए तां तुसीं अगे चलो। साडे माता अजीत कौर जी जदों सतखंड नूं गए सन सो गुरु प्यारे उन्होंने भी दसम द्वार थानी प्राण कढ़े सन। ये मिसाल है पहली। हुण माता गुजरी जी ने भी प्राण खिच के दसम द्वार थानी जदों कढ़े इस वास्ते सिर दे थोड़ा जिहा प्रबंध दा सामना इस वास्ते कार नहीं करना चक्कर मारी नहीं कोई हीरा चटिया नहीं होर किसी तरीके नाल आप सतखंड नूं गए। माता जी दी महान कुरबानी नूं कलंक करना वड्डा पाप हो गया। सो गुरु प्यारो हुण आपां थोड़ी जी विचार इत्थे कर लईए। जदों चारे साहब जाके कुरबान होए परम सिंह धर्म सिंह आके महाराज करन लगे दे पास रायकोट हजूर सच्चे पातशाह टाली वाले साहब सन हजूर ने कहा सिंह हो तां धर्म दी राखी वास्ते शहीद होए ने सोचने योग नहीं महाराज तां साहबजादे रहने चाहिए सन। हजूर ने कहा जी असीं लगना चाहुंदे अजे चल दया सिंह धर्म सिंह भाई मान सिंह नूं कहा सी आज गढ़ी विचों निकल के सानू मिल पाओगे ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੱਢੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਸ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਟਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪਰਮਾਰਸ ਕਰਤਾ ਸਾਧਾਰਨ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰ ਸਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੱਤ ਤੇ 25 ਬਣ ਲਈ ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਢਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।